हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस मैम, अल्लाह पाक का शुक्र। Okay, beta, let all the participants join the class first. Then we'll start our lecture. Today is lecture 7 of patient safety. Beta, in the previous lecture, what we have studied, humne kuch terms padhi thi, jisme error ko discuss kiya tha. We have discussed violations. Then we have discussed terms like near miss. And then most important, what we have done in the previous lecture was RCA model. Theek hai, beta? Is everything clear to you from the previous lecture? जी मैम। सो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वायलेशन? अरुबा, अरुबा बेटा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वायलेशन एंड एरर? बेटा, आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू पीपल आर लीविंग द क्लास। Only Ahmad is there to answer. जी बच्चे, sorry बेटा, your voice is not clear to me. Sorry, but it's still not clear. Yes, Saifulla, you tell me, what's the difference between error and violation, beta? Error or violation mein kya fark hai? Okay, Ahmad, beta, you tell. मैम, वायलेशन में हमारे पास ये है कि हम लोग जानबूझ के अगर कोई हमारे पास कोई प्रोटोकॉल या कोई इस तरह कोई ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसमें जानबूझ के कोई डेविएशन कर दे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास वायलेशन है। एरर में ये है कि हम लोग कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड कोई एरर आ जाए, मतलब कोई गलती हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एरर है। वेरी गुड बेटा, जो एरर है वो आप अनइंटेंशनली आपसे हो जाती है अगर कोई मिस्टेक, तो वो एरर है। ठीक है, आप रूल्स को फॉलो, रूल्स को जानते भी हैं, आपको पता भी है, यू नो बेटर कि अगर ये आप करेंगे तो इसके ये एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं, बट यू स्टिल डू गो फॉर दैट प्रोसीजर या आप वही वाला मेजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो ये आपका इंटेंशनली एक एडवर्स इवेंट है जो आपकी तरफ से इंटेंशनली कॉज हो रहा है। ठीक है, सो अगर इंटेंशनली ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसको वायलेशन कहेंगे। ओके, सो यस Samina Babar, beta, you tell me, what do you mean by near miss? मैम, नियर मिस में ये होता है कि पेशेंट को ज्यादा हार्म पहुंच सकता है या फिर पेशेंट ज्यादा उस ट्रीटमेंट से डैमेज हो सकता था, पर उसे बचा लिया गया प्रिकॉशंस करके। ओके, एनी अदर स्टूडेंट बेटा, what do you mean by near miss? मैम, मैं बताऊं? Yes, बेटा। मैम, अगर हम लोग कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसे, लेकिन उस ट्रीटमेंट से ऐसे हो सकता था कि उसे कोई हार्म पहुंचता उसको, लेकिन वो उस हार्म से बच जाए जो है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास नियर मिस है। Yes, very good. Okay, किरण शहजादी बेटा, you tell me, what do you mean by RCA model? RCA model बेटा, आप सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया करें लेक्चर में, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, ओनली वन और टू स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन योर क्लास। ठीक है, एट द एंड आपने भी एग्जाम देने हैं, एट द एंड आपकी भी इंटरनल असेसमेंट लगनी है, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी। ठीक है, मेक श्योर यू पीपल रिवाइज द प्रेजेंटेशन बिफोर द नेक्स्ट क्लास एंड यू पीपल मस्ट पार्टिसिपेट इन योर क्लास। ओके मैम। यस,
So who is going to tell me about RCA model except Ahmad? हम लोग फोकस करते हैं किसी प्रिवेंशन के ऊपर या वल्नरेबिलिटी लेवल्स के ऊपर, बजाय इसके कि हम एम्फसाइज करें, फोकस करें किसी ब्लेम या पनिशमेंट के ऊपर. ओके, सो बेटा व्हाट स्टेप्स यू टेक इन आरसीए मॉडल और व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आरसीए मॉडल? मैम स्टेप्स इज डैट के हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी या सेवेरिटी होती है रिस्क को, उसको एसेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं और कॉस्ट उसकी देखते हैं. ओके, एनी अदर स्टूडेंट बेटा, एनी अदर स्टूडेंट वांट टू ऐड समथिंग इन आरसीए मॉडल? ओके बेटा, मेक श्योर इन द नेक्स्ट क्लास और फिर हम सोल्यूशन देखते हैं कौन से सोल्यूशन बन सकते हैं, फिर उसके फाइनल रिपोर्ट हम तैयार करते हैं. सो बेटा, यू ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन योर क्लास. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंडिविजुअली हर स्टूडेंट से पूछूंगी, क्वेश्चनिंग करूंगी और आपके मार्क्स लगेंगे. ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके मार्क्स लगेंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो रिस्पांस नहीं देंगे उनके मार्क्स नहीं लगेंगे. सो बेटा, आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हम लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे पेशेंट सेफ्टी का. बेटा हमने जो पहले लेक्चर थे उनमें डिस्कस किया था कि हम कौन से मेजर्स ऐसे ले सकते हैं, हम कैसे असेस करेंगे अगर कोई भी एडवर्स इवेंट होता है, उसको असेस कैसे करेंगे और फिर हम उसको प्रॉपरली एनालाइज कैसे करेंगे, हर स्टेप के थ्रू, सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू हम कैसे एनालाइज करेंगे कि आइदर हमारी जो रूट कॉज था या जो प्रॉब्लम थी वो किस स्टेप पे थी, किस लेवल पे थी. ठीक है बेटा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर इज कि अब आप आ रही है चेंज की तरफ. ऑब्वियसली बेटा, अगर कोई मिस्टेक होती है या अपने हेल्थ केयर सिस्टम में आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई एडवर्स इवेंट हुआ है, ठीक है, आपने उसकी प्रॉपर असेसमेंट की, एनालाइज किया, प्रॉपर इंक्वायरी की आपने उसकी, इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि इस स्टेप पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, आइदर ये वाला स्टेप था, अगर इसको इस तरह नहीं दूसरी तरह परफॉर्म किया जाता तो ये एडवर्स इवेंट ना होता. ठीक है, सो बेटा जब भी हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर हम जहाँ पे मिस्टेक होती है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं. और मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव करते हैं कि जो पहले से आपने प्रिंसिपल्स बनाए हुए थे या जो रूल्स आपने पहले से बनाए हुए थे या पहले से जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे थे उसमें चेंजिंग करके, ठीक है ना, आप चेंज करते हैं अपने प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, मेथड्स को चेंज करते हैं तो आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है बेटा, चेंज इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट, यू नो. ठीक है, हर लेवल पे इम्प्रूवमेंट के लिए हमें चेंज की जरूरत होती है. ठीक है, आप पहले से कुछ लेसन्स लर्न करते हैं, उन लेसन्स को लर्न करके आप कोशिश ये करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ यहाँ चेंजेस लाई जाए ताकि ये मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो. ठीक है बेटा, इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम में यू नो कि दो तरह की इम्प्रूवमेंट होती है. एक होती है आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है आपने, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने या अपने क्वांटिटी को इम्प्रूव करने. ठीक है बेटा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्वालिटी. ठीक है, आपने अपनी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने, जो आप ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रही हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उसको उसके स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाएं, सो दैट कि वो बेनिफिशियल हो पेशेंट के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी और एज अ होल हेल्थ केयर सिस्टम को भी उससे फायदा पहुंचे. तो बेटा क्या चेंजेस करते हैं हम, ठीक है, उन चेंजेस के लिए क्या स्टेप्स हैं, उनके लिए किस मॉडल को फॉलो किया जाता है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम, फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स, फॉर पेशेंट एज वेल एज फॉर द फैमिली ऑफ द पेशेंट. ओके, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेन, हमारा मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, we are trying to gain extraordinary outcomes. हम ये चाह रहे हैं कि जो principles या जो treatment हम पहले follow कर रहे थे उसमें ये changes कर ली जाए तो इसके outcomes या results पहले से अच्छे मिले हमें. ठीक है, पहले से बेहतर outcomes मिले हमें.
तो बेटा इसके क्या मेथड है, कौन से मेथड को हम फॉलो करते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को. बेटा इन दिस लेक्चर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज टू डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. क्या आपने क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है. एंड इट इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द मेथड्स एंड टूल्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. तो बेटा आपके लेवल पे बीइंग अ स्टूडेंट आप कौन से मेथड्स या कौन से टूल्स एडॉप्ट कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, या जिस ट्रेनिंग पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी हेल्थ केयर सेटअप पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप कौन से मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं उस सेटअप का की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उस सेटअप के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए और वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, पेशेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए. सो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है, आपके माइंड में कौन से पॉइंट्स होंगे वो आप फॉलो करेंगे और फिर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा मॉडल आप फॉलो करते हैं, ठीक है, चेंज के कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, ठीक है. अगर आप कहीं पे चेंज लाना चाह रहे हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, आपको लग रहा है कि देर इज अ नीड ऑफ चेंज इन दिस स्टेप ऑफ योर ट्रीटमेंट, या आपके हेल्थ केयर सिस्टम में इस लेवल पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, यहाँ पे चेंजेस करनी चाहिए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. फिर बेटा इसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट मेथड्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन क्लिनिकल केयर, ठीक है. सो बेटा द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन, जब भी आप इम्प्रूवमेंट की तरफ अपने हेल्थ केयर सिस्टम को लेके जाते हैं तो पहले तो आपको अपने सिस्टम को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है. आपको पता हो कि आपके सिस्टम में क्या चीजें हैं, क्या रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, आपको अपने सिस्टम की कंप्लीट डिटेल जो है उसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है. फिर बेटा आपको ये भी पता हो कि आपके सिस्टम में जब आप ऑब्वियसली एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं किसी भी एडवर्स इवेंट को, तो ये तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे वेरिएशन थी, ठीक है, यहाँ पे चेंज की जरूरत थी. तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग आपको तब कब होगी जब आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे हर स्टेप पे, ठीक है, कि ये इवेंट हुआ तो हर स्टेप पे पीछे कहाँ पे प्रॉब्लम थी, ठीक है. आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच होगी तो आपको पता होगा कहाँ पे वेरिएशन या चेंज की जरूरत है, ठीक है बेटा. फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉट ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो, आपको थ्रेटिकली भी पता हो कि यहाँ पे इस रिस्क फैक्टर की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, या यहाँ पे मैं ये चेंज लेके आऊंगा तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, ओके. एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज बेटा साइकोलॉजी. ऑब्वियसली किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बेटा साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप इमोशनली अपने आप को, आपका माइंड सेट इस पॉइंट पे एग्री करे, आप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं कि अगर कोई चेंज की जरूरत है आपके हेल्थ केयर सिस्टम में तो आपकी साइकोलॉजी में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बेटा. किसी भी चेंज को एक्सेप्ट, आप किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं, ठीक है. सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, beta, the science of improvement involves these four steps. Is everything clear to you regarding this slide? Yes, ma'am. So, beta, what are the three types of measures? A measures, beta, agar aap change ला रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, या आप चेंज लेके आए हैं और आपने अब ये मेजर करना है, आउटकम मेजर्स को आपने मेजर करना है, कि इसके रिजल्ट्स को आपने मेजर करना है, कि आइदर आपने जो चेंजिंग की अपने सिस्टम में उसको आप मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है. जैसे बेटा किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं ना, आप जब रिसर्च पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब आप कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च का, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर बैलेंस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक टूल, कोई एक स्केल होना चाहिए जिससे आप पेशेंट आपके पास आया है तो आपने उसका पहले मेजरमेंट की कि उसका बैलेंस कितना था, ठीक है, कितना इंटेक्ट था उसका बैलेंस, तो आपने एक स्केल यूज किया उसके बैलेंस को मेजर करने के लिए, ताकि जब आप उसको ट्रीटमेंट दें तो मिड ऑफ द ट्रीटमेंट आप ये देखें कि आइदर आपकी ट्रीटमेंट से उसके बैलेंस पे कोई फर्क पड़े तो आप दोबारा उस स्केल से उसके बैलेंस को मेजर करें, ठीक है. एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट फिर आप देखें उस स्केल से पेशेंट के बैलेंस को मेजर करके, ताकि आप ये जज कर सकें कि बिफोर द चेंज या बिफोर द ट्रीटमेंट पेशेंट का बैलेंस क्या था, कितना था, और आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट का बैलेंस कितना इंप्रूव हुआ, ओके. सो हम इसके लिए कुछ टूल्स मेजर करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, कुछ आउटकम मेजर्स यूज करते हैं हम, ठीक है बेटा. तो किसी भी चेंज को, किसी भी इंप्रूवमेंट को मेजर करने के
थ्री कैटेगरीज होती हैं, थ्री स्केल्स होते हैं. एक होता है आउटकम मेजर्स बेटा, सेकेंड वन इज प्रोसेस मेजर्स, एंड थर्ड वन इज बैलेंसिंग मेजर्स. ठीक है, आउटकम मेजर्स में बेटा आप ओवरऑल अचीवमेंट देखते हैं कि आपने यहाँ पे चेंजेस लाए अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, तो ओवरऑल उन चेंजेस के लाने से आपके हेल्थ केयर सिस्टम में क्या फर्क पड़ा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने ट्रीटमेंट में आपने देखा कि आप जो मेडिसिन पेशेंट को दे रहे थे वो आप सबकुटेनियसली दे रहे थे. ठीक है, या पेशेंट जो है वो ओरली मेडिसिन दे रहे थे. आपने नोट किया कि अगर पेशेंट को आईवी इंट्रावीनसली कोई मेडिसिन दी जाए तो क्या पेशेंट के मोर्टेलिटी रेट पे, इन्फेक्शन के रेट पे, या जो एडवर्स इवेंट्स हो रहे थे उन पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो ओवरऑल आपने रिजल्ट्स देखे, आपने ओवरऑल किस तरह देखा कि आप ये चेंजेस लेके आए हैं. मेडिकेशन आप अब आईवी दे रही हैं पेशेंट को, इंट्रावीनसली दे रही हैं, तो अब आप देखें कि अब डेथ के चांसेस कम हुए कि नहीं हुए. ठीक है, अब मोर्टेलिटी रेट कम हुआ कि नहीं हुआ, अब वो इन्फेक्शन जो डिवेलप हो रहे थे अब वो कम हुए कि नहीं हुए. ठीक है, सो बेटा जो आप चेंज लाए अपनी ट्रीटमेंट में उसके उसको आपने उसके रिजल्ट को कैसे मेजर किया. ओवरऑल आपने देखा कि अब पेशेंट की डेथ, अब पेशेंट्स जो आ रहे हैं आपके पास, अब उनको आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके रिजल्ट पे पेशेंट की डेथ कम हो रही है. ठीक है, पेशेंट इन्फेक्शन की तरफ कम जा रहे हैं, अब एडवर्स इवेंट्स के इंसिडेंस कम हो रहे हैं. ठीक है, ये आउटकम मेजर्स हैं. ठीक है, प्रोसेस मेजर्स क्या है बेटा. प्रोसेस मेजर्स में आप ये देखते हैं कि आपने जो सिस्टम में चेंजेस लाए, आइदर वो सिस्टम वैसे ऑपरेट हो रहा है आपके नहीं हो रहा. आपने कहा आईवी मेडिकेशन देनी चाहिए थी. ठीक है, अब आप ये मेजर करें कि ये प्रोसेस फॉलो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, सिस्टम ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये प्रोसेस मेजर्स है बेटा. व्हाट आर बैलेंसिंग मेजर्स. बैलेंसिंग मेजर्स ये है बेटा कि आपने एक जगह इंटेंशनली आपने कहा कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए, आईवी मेजर्स आप देना शुरू कर दिए आपने. ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चेंज लाए हैं एक अपने सिस्टम में, इस चेंज की वजह से कहीं और कोई ऐसे एडवर्स इवेंट्स तो नहीं हो रहे. ठीक है, इंटेंशनली आपने ये चेंज लेके आए अपने सिस्टम में, अनइंटेंशनली उस चेंज की वजह से कहीं और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही. ये बैलेंसिंग मेजर्स हैं कि आइदर जो आप चेंज लेके आए हेल्थ केयर सिस्टम में वो बैलेंस्ड है. ठीक है, उसकी वजह से कहीं और कोई प्रॉब्लम अराइज तो नहीं कर रही, तो ये बैलेंसिंग मेजर्स हैं. इज इट क्लियर बेटा, ये तीनों टर्म्स आपको समझ आएंगे. यस मैम, आ गई हैं मैम. प्रोसेस मेजर्स का एक बार दोबारा बता दें. प्रोसेस मेजर्स ये है बेटा कि आप सिस्टम में जहां पे चेंजेस लेके आए, अब आपने ये भी मॉनिटर करना है कि आइदर सिस्टम वो फॉलो कर रहा है. ठीक है, सिस्टम में वो चेंजेस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, वो चेंजेस या वो रूल्स जो आपने बनाए थे वो ऑपरेट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सिस्टम में या नहीं हो रहे. ये प्रोसेस मेजर्स है. आप यहाँ से अंदाजा लगाएं बेटा, टर्म से इनके मीनिंग याद रखें. आउटकम क्या क्या मतलब होते हैं, रिजल्ट. ठीक है, तो ओवरऑल आप रिजल्ट देख रहे हैं कि आपने जो चेंजेस लेके आए उसके रिजल्ट ओवरऑल क्या आ रहे हैं. ठीक है, प्रोसेस मेजर्स मीन प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी जब काम हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि आइदर जो आपने चेंजेस किए थे वो ड्यूरिंग प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ठीक है, बैलेंसिंग मेजर्स, आइदर आपने जो चेंजेस लेके आए वो हेल्थ केयर सिस्टम में बैलेंस्ड भी है या नहीं है, वो एक बैलेंस सिस्टम के वो रिजल्ट कर रही है एक बैलेंस सिस्टम में, या उसकी वजह से कहीं और प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है, गॉट इट बेटा. यस मैम. एवरीथिंग क्लियर. यस मैम. ऑल द स्टूडेंट्स दे आर लिसनिंग, दे आर गेटिंग मी. यस मैम. यस मैम. यस मैम. बेटा दिस इज द डिटेल ऑफ द दीस मेजर्स. For outcome measures, beta, how does the system impact the values of patients, their health and well-being? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि कैसे उन changes की वजह से जो आप system में लेके आए उससे patient की health में क्या फर्क पड़ रहा है, patient की well-being में क्या फर्क पड़ रहा है. ठीक है, patient और उनकी families में क्या advantages आ रही हैं उन changes की वजह से. ठीक है, what are impacts on other stakeholders such as payers, employees or the community? ठीक है, जो आपने चेंजेस लेके आए उससे बाकी लोगों में जो जिनके साथ जो इंटरेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं उन पे क्या अफेक्ट आ रहा है उन चेंजेस से. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेशेंट और उनकी फैमिली से क्या इंपैक्ट आ रहा है. ठीक है, प्रोसेस मेजर्स आर द पार्ट्स और स्टेप्स इन द सिस्टम परफॉर्मिंग एज प्लान. कि आपने जो प्लान किया था, जो चेंजेस आपने प्लान किए थे, आइदर वो इंप्लीमेंट हो भी रहे हैं आपके सिस्टम में या नहीं हो रहे. आर वी ऑन द ट्रैक इन आवर एफर्ट्स, कि हम ऑन द राइट ट्रैक हैं भी कि नहीं, जो चीजें हम लाए थे वो हम फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे.
ठीक है बच्चे. और बैलेंसिंग मेजर्स में यू आर लुकिंग एट अ सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, कि आप एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहे कि आपने बस उनको मेडिकेशंस आईवी दे दी, आपने कहा डेथ कम हो रही है. साथ साथ ये भी देखिए कि आईवी जब आप ड्रग दे रही हैं तो उसकी वजह से कोई और इफेक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा पेशेंट को, ठीक है. तो आप हर डायमेंशन से उसके रिजल्ट देखें उन चेंजेस के. ओके क्लियर. So, yes, ma'am. In balancing meters, beta, what is important is our changes is designed to improve one part of the system, causing new problems in other parts of the system. आपने ये देखने के whether आपने जो changes लाए थे अपने healthcare system में, whether वो improvement एक ही system में या एक ही direction में आपको advantage तो नहीं दे रहे, उसकी वजह से कहीं और आपको problems तो originate तो नहीं हो रहे, ठीक है. You have to make sure. Okay, now the quality improvement model, बेटा. Improvement के लिए हम जिस model को follow करते हैं बेटा, उसमें क्या क्या key point है, ठीक है, किन चीजों को हमने importance देनी होती है. What we are trying to accomplish, हमें पता हो कि हमारे goals क्या हैं, ठीक है. जब हमें पता होगा कि यहाँ पे cost थी, तो हमें ये भी पता होगा कि अब यहाँ पे हमने changes लेके आनी है, यहाँ पे हम improvement लाना चाह रहे हैं, ठीक है. हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. और बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, हमारा बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेनिफिट हो पेशेंट को, पेशेंट की फैमिलीज को. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि पेशेंट की लाइफ सेव करना. ओके सेकंड हमारा ये है कि पेशेंट को मजीद किसी कॉम्प्लिकेशन से बचाना. थर्ड बेटा आपका ये भी एक बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पेशेंट की जो फैमिली है उस पर बर्डन कम रखना, ठीक है. सो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से गोल्स हैं जिनको हमने अकम्प्लिश करना है, ठीक है. सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ विल वी नो दैट अ चेंज इज एन इम्प्रूवमेंट. हमें कैसे पता चलेगा बेटा कि यहाँ पे हमें चेंज की जरूरत है, यहाँ पे हम ये चेंज लाएंगे तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव होगा. एनी स्टूडेंट बेटा कैसे पता चलेगा आपको कि इन दिस स्टेप यू रिक्वायर अ चेंज इन दिस स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट. सो गेन एन इम्प्रूवमेंट आपको क्या चेंज की जरूरत है. मैम जब हमें कोई भी फायदा या कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा होगा कि पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा, फंक्शनल नहीं हो रहा, या जब से जो है वो सिक्योर नहीं हो रहा. यस वेरी गुड. एनी अदर स्टूडेंट कोई और पॉइंट अगर किसी के जहन में है बेटा बताएं. मैम अगर कोई सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, लाइक हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सही तरह मतलब पेशेंट्स को नहीं देख रहा, या बेटा आपको ये कैसे पता चलेगा कि सिस्टम के इस लेवल पे काम सही नहीं हो रहा. पहले आप क्या आउटकम मेजर्स देखेंगे. ओके आउटकम मेजर से. और बेटा आपको कोई पता चलता है कोई प्रॉब्लम है, कोई एडवर्स इवेंट है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं. चेंजेस करते हैं सिस्टम में. चेंजेस से पहले बेटा आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ चेंज की जरूरत है, यहाँ इस लेवल पे चेंज है, चेंज चाहिए. आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे तो ही पता चलेगा ना यहाँ चेंज की जरूरत है, ठीक है. सो बेटा पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे गोल्स क्या है, दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे चेंज की जरूरत है, ठीक है. यहाँ पे हमें चेंज लाना है फॉर द बेनिफिट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा व्हाट चेंजेस कैन. अब आपको पता होगा कि यहाँ पे चेंज लाने, तो आपको ऑब्वियसली ये भी पता होगा अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरह की चेंजेस की जरूरत है, ठीक है, इस सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए. सो बेटा ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एनी स्टूडेंट बेटा लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. कौन से तीन पॉइंट्स हैं बेटा जो आपने जो है वो जो जिनके साथ आपका कंसर्न है रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट मॉडल. किन तीन पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए. यस महानूर. मैम आउटकम मेजर्स है और प्रोसेस मेजर्स है और बैलेंसिंग मेजर्स है. ओके इन दिस स्लाइड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बेटा क्वालिटी इंप्रूवमेंट मॉडल के लिए किन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना होता है. मैम हमने ये देखना है कि हम लोग डेथ को कंट्रोल कर लें. सबसे पहले में अकम्पलिश में कि हम डेथ कंट्रोल कर लें पेशेंट की और उसके जो फैमिली के ऊपर बर्डन ना ज्यादा आने दें. और जो सेकंड है उसमें आपने ये बताया कि हम चेंज करने के लिए एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग चेंज को जो है वो बेटर कर सकें. और किस टाइप का चेंज करना है वो हम लोग को अपने एनालिसिस से ही पता चलेगा. ओके सो बेटा हम ये चेंजेस जो हैं वो लेके आते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, अपने हेल्थ केयर सिस्टम में. तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए बेटा जिस मॉडल को हम फॉलो करते हैं उसका नाम है PDSA साइकिल.
ओके जैसे हमने पिछले लेक्चर में आरसीए मॉडल पढ़ा था बेटा, इस लेक्चर में पीडीएसए साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। पीडीएसए साइकिल का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कि इसमें आपने ये देखना है कि वेदर आपको एक आपके हेल्थ केयर सिस्टम में चेंज की जरूरत है, और जिस चेंज की जरूरत है वो इम्प्रूवमेंट लेके भी आता है आपके हेल्थ केयर सिस्टम में कि नहीं लेके आता। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडीएसए साइकिल इज बेटा टू डिटरमिन वेदर अ चेंज लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपने एनालाइज किया, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे चेंज की जरूरत है। अब आपने ये देखना है कि आइदर जो चेंज की जरूरत आप कह रहे थे, जो चेंजेस आप लेके आए अपने सिस्टम में, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके भी जा रहे हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम को या नहीं लेकर जा रहे। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट अ चेंज इन द रियल वर्क सेटिंग। आपने ये देख लिया बेटा दैट देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन दिस स्टेप ऑफ योर हेल्थ केयर सिस्टम या इन दिस स्टेप ऑफ प्रोसीजर यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ चेंज, यहाँ पे आपको चेंज की जरूरत है, ये चेंजेस किए जाएं तो ये बेहतर आउटकम्स देंगे आपको। अब आपने बेटा उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने वर्क सेटिंग में, अपने प्रैक्टिकल वर्क में उसको इम्प्लीमेंट भी करें कि इस अगर मैं ये चेंज लेके आता हूँ, अगर मैं आईवी ड्रग्स दे रहा हूँ तो आप उसको अपनी सेटिंग में इम्प्लीमेंट करें, दे के देखें पेशेंट्स को और टेस्ट करें कि आइदर ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है ये आपका चेंज या नहीं जा रहा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पहले से बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो बेटा पीडीएसए साइकिल पी स्टैंड्स फॉर प्लान, डी फॉर डू, एस फॉर स्टडी एंड ए फॉर एक्ट। द प्लान डू स्टडी एक्ट, कि पहले आपने प्लान किया बेटा, फिर आपने इम्प्लीमेंट भी किया। व्हाट डज डू मींस दैट यू आर ट्राइंग दैट चेंज, यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट चेंज इन योर हेल्थ केयर सिस्टम। आप अपनी सेटिंग में वो काम कर भी रहे हैं, वो चेंज परफॉर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर स्टडी, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि उस चेंज की वजह से क्या रिजल्ट्स आए आपके पेशेंट्स के। ठीक है, आपने स्टडी किया, आपने ऑब्जर्व किया रिजल्ट्स को, और फिर बेटा जब आपको पता चला कि हाँ इससे बेनिफिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस चेंज के रिजल्ट्स पहले से बेहतर हैं, तो फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब आप उस पर एक्ट करेंगे। अगर पहले आपने एक पेशेंट पे ट्राई करके उसको ऑब्जर्व किया था रिजल्ट्स को, तो अब आप बाकी पेशेंट्स पे भी उस पर उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिकॉज यू हैव परफॉर्मड इट ऑन द पेशेंट, यू हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, आपने एक जो ट्रायल था वो परफॉर्म कर लिया, एंड यू हैव लर्न कि इसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बेटा अब आप उस ट्रायल को सारे पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, उसको एक नॉर्म, एक प्रिंसिपल बना देंगे। ठीक है बेटा, कैसे एक चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको समझ आ रही है बेटा, क्या स्टेप्स आपने फॉलो करनी है? Yes, ma'am. So, बेटा, this is a scientific method, और ये एक action oriented learning है, ठीक है? कि सिर्फ आपने observe नहीं किया और implement कर दिया, आपने observe किया, फिर आपने try भी किया, आपने एक trial भी दिया, implement भी किया एक patient पे, उसके results को भी observe किया, और फिर आपने इसको अपनी अपनी healthcare setup में as a principle adopt कर लिया। ठीक है, जब आपने एक पेशेंट को आईवी ड्रग दे के देखा, आपने देखा कि उसके उसमें आपके पास कोई एडवर्स इवेंट नहीं आया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, पेशेंट की डेथ की रेट कम हो गए, तो बेटा आपने फिर आफ्टर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स, आफ्टर परफॉर्मिंग द ट्रायल, आपने अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आपके पास जो पेशेंट आएगा आप उसको आईवी ड्रग्स देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया और आपने ऑब्जर्व किया कि पहले से मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट पेशेंट का क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So, beta, model for improvement is plan, do, study, act. Okay. So, first step is plan. Second step is do. Third step is study. And the last step is act. Okay. So, what we are trying to accomplish, ye, sabse pehle aapko ye pata hoga ki aapne kya चेंज लेके आना, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, फिर आपको ये पता होगा कि आइदर कहाँ पे किस स्टेप पे चेंज की जरूरत है, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे चेंज लाने से इम्प्रूवमेंट की तरफ पेशेंट जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, एडवर्स इवेंट्स के चांसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो व्हाट आर द रीजंस टू टेस्ट चेंज, to increase your belief that the change will result in improvement. आपको एक ट्रायल देने की बेटा क्यों जरूरत है, आपको पहले एक एक्सपेरिमेंट या एक पेशेंट पे टेस्ट करने की क्यों जरूरत है, ताकि बेटा आप कॉन्फिडेंटली उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकें। जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये चेंज करने से या आईवी ड्रग देने से पेशेंट
में डेथ के चांसेस कम होंगे, पेशेंट जल्दी इंप्रूव करेगा पेशेंट की हेल्थ. तो बेटा जब आपको ये बिलीफ होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है ये स्टेप, तो फिर आप आपके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होगा. ठीक है बेटा, टू डिसाइड विच ऑफ सेवरल प्रपोज चेंजेस विल लीड टू द डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट. ऑब्वियसली बेटा जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आप बहुत से चेंजेस की तरफ जाते हैं कि आप कहेंगे आइदर मैं आईवी दूं तो पेशेंट ज्यादा बेहतर होगा, आइदर मैं पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली या सबकुटेनियसली दूं तो ज्यादा पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा. ठीक है, तो बहुत सारी आपके माइंड में प्रपोज चेंजेस आ रही होती हैं, डिसीजंस आ रही होती हैं कि ये करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या ये करने से. तो जब आप एक ट्रायल दे देती हैं तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि ये वाला चेंज जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज बेटा टू वेलिएट हाउ मच इम्प्रूवमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चेंज. आपको ये पता होगा कि ये चेंज लाने से कितनी इम्प्रूवमेंट आई पेशेंट में. ठीक है, टू डिसाइड वेदर द प्रपोज चेंज विल वर्क इन द एक्चुअल एनवायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट. आपको ये भी पता चलेगा एक्चुअली आप अपनी हेल्थ केयर सेटिंग में अगर इसको इम्प्लीमेंट करती हैं तो इससे आपकी काम में एक्चुअल सेटिंग में आपके प्रैक्टिकली उसका चेंज का फायदा होगा या नहीं होगा. ठीक है, to decide which combination of changes will have the desired effect. beta aapko ye bhi pata chalega ki kin changes ko combine karke aapko acche results mil sakte hain. to evaluate ko aapko cost ka bhi pata chalega ki is change jo aap change leke aaye hain either is procedure mein aapko kitni cost padti hai, social impact kya hai iska aur iske side effects kya ho sakte hain. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटा टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस अपॉन इम्प्लीमेंटेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि जब आपको एक एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म कर लिया, एक ट्रायल आपने परफॉर्म कर लिया और उसके रिजल्ट आपको मिल गए बेटा, तो अब आपके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक रिजल्ट मौजूद है आपके पास, एक सॉलिड डिसीजन के लिए आपके पास पीछे एक प्रूफ है. ठीक है, तो आपको जो रेजिस्टेंस या जो ओपोजिशन फेस करनी पड़ रही थी अपॉन इम्प्लीमेंटेशन वो कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास पीछे लॉजिक होगी. ठीक है, आपके पास रीजंस होंगी, आपके पास प्रूफ होगा कि दिस चेंज जो मैं चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम में आए उससे पेशेंट को बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है बेटा, तो आपको ये रीजन समझ आई है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट चेंज, एक टेस्ट या एक ट्रायल परफॉर्म करने की क्यों जरूरत होती है. जी मैम, इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. Any problem till here? No, ma'am. Okay. So, beta, next step pe, okay. Just take an example, beta. आप लोग अपने एग्जाम्पल लें कि आप लोग अगर किसी सेटअप पे जाते हैं, ठीक है, कहीं इंटर्नशिप करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि वहां पे पहले से जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे थे, या फॉर एग्जाम्पल एक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आता था तो हर पेशेंट को एक ही तरह डील किया जाता था, या आपको लगता था कि पेशेंट जब फ्रोजन शोल्डर का आपको आया तो उन सब पेशेंट्स को हॉट पैक लगा दिए गए. ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इन पेशेंट को हॉट पैक की जगह कुछ और अगर मोबिलाइजेशन दी जाए, ठीक है, तो फिर इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट पे. ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है, क्योंकि आप बीइंग अ स्टूडेंट अपने इंटर्नशिप सेटअप में आप फॉरन से ये तो नहीं इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते ना पेशेंट पे कि पेशेंट आए आप इस दफा उसको आप हॉट पैक ना लगाएं और मोबिलाइज करना शुरू कर दें आप पेशेंट को. ठीक है, तो आपने जस्ट ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपने अब क्या करना है कि आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये चेंज की जरूरत है, तो पहले आपने खुद उस पर स्टडी करनी है. ठीक है, खुद उस पर ऑब्जर्व करें. आपकी फैमिली में अगर किसी को हुआ है तो आप उन पे इम्प्लीमेंट करें कि आइदर आप उनको हॉट पैक की जगह मोबिलाइज करके देखें कि आइदर ये पेशेंट ज्यादा बेहतर जल्दी बेहतर होता है फ्रोजन शोल्डर का, या जिसपे हॉट पैक लगाया जा रहा था वो ज्यादा जल्दी बेहतर होता है. ठीक है, तो आपने खुद ऑब्जर्व किया, खुद अपने पेशेंट पे पर्सनली इम्प्लीमेंट किया, तो फिर आप अपने सेटअप पे जाकर जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कुलीग्स काम कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि देखें ये टेक्निक थी, मैंने इसकी हॉट पैक की जगह ये टेक्निक देके देखी अपने पेशेंट को तो मुझे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिले. तो बेटा आप एक प्रूफ के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक लॉजिक के साथ उनको अपने डिसीजन पे डिफेंड कर, अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर आपको किसी को सेटिस्फाई करना ज्यादा बेहतर तरीके से आप सेटिस्फाई कर देते हैं. फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना बेटा
उनके लिए भी इजी हो जाते हैं और आपके लिए भी इजी हो जाते हैं. तो बेटा दिस इज द स्टेप कि आप किस तरह अपनी अपने लेवल पे अपनी सेटिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके सो इन द फर्स्ट स्टेप बेटा प्लान व्हाट यू प्लान हियर. आपको आपने टेस्ट या ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया उसको प्लान करना है. ठीक है आपने इंक्लूडिंग अ प्लान फॉर कलेक्टिंग डेटा. आपको पता है कि आपको आपने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे चेंज की जरूरत है तो उसके लिए आपने प्लानिंग की कि मैं इस तरह ये पेशेंट आएगा तो मैं उसको टेस्ट करूंगा इस टेक्निक की जगह ये टेक्निक यूज करूंगा तो देखूंगा पेशेंट के रिजल्ट क्या होंगे. ठीक है तो बेटा फर्स्ट आपने प्लान किया अपने टेस्ट को अपनी ऑब्जर्वेशन को. फिर बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोई आपसे पूछ लेते क्यों आप ये टेक्निक यूज करें तो आपको पीछे ऑब्जेक्टिव भी बताओ. ठीक है फिर आपको ये भी पता हो आपने पहले से प्रिडिक्ट किया हो कि अगर मैं ये टेक्निक यूज करूंगा तो इसके ये इफेक्ट्स हो सकती हैं ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मुझे. ठीक है इसको फॉलो करने में. फिर बेटा आपको डेवलप अ प्लान टू टेस्ट द चेंज. फिर आप प्रैक्टिकली उस टेस्ट को परफॉर्म भी करें कि उस चेंज को परफॉर्म भी करें अपने हेल्थ केयर सिस्टम में कि आइदर आपने किसने ये कैसे ये टेक्निक फॉलो करनी है कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है कब करना है और किस पार्ट पे फॉलो करना है. ठीक है तो वो सारी इंफॉर्मेशन सारा डेटा सारा नॉलेज आपका आपके पास कलेक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग दैट टेक्निक और रिगार्डिंग दैट चेंज जो चेंज आप लाना चाह रहे हैं. ठीक है बेटा तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग करना. ठीक है सेकेंड स्टेप वंस यू आर डन विथ प्लानिंग आपने प्लान कर लिया कि आपने ये करना है हर स्टेप पे अब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ट्राई करेंगे एक पेशेंट पे स्मॉल सर्कल पे कर लें बेटा दो तीन पेशेंट्स पे कर लें या एक पेशेंट पे ट्राई करके देख लें. ठीक है उस टेस्ट को उस टेक्निक को परफॉर्म करें उसके रिजल्ट्स बेटा ऑब्जर्व करें और डॉक्यूमेंट करें कि आपने ये रिजल्ट्स देखे और इस टेक्निक के दौरान ये प्रॉब्लम्स फेस की मैंने. ठीक है तो अब ये आप क्या करने शुरू हो गए बेटा अब अपने डेटा को एनालाइज करने शुरू हो गए. ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग फॉर द इवेंट आपने प्रोसीजर के लिए प्लानिंग की. ठीक है फिर आपने सेकेंड स्टेप पे उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया. थर्ड स्टेप पे जो आपने इंप्लीमेंट किया उसके रिजल्ट्स को आपने स्टडी करना शुरू किया. ठीक है आपने एनालिसिस शुरू किया अपने डेटा का. ठीक है और फिर आपने कंपेयर किया कि जो आपने प्रिडिक्ट किया था रिगार्डिंग दैट प्रोसीजर या रिगार्डिंग दैट चेंज उसके उसको कंपेयर किया अपनी प्रिडिक्शंस को एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया. ठीक है और जो आपने सीखा जो रिजल्ट था उसको आपने समराइज किया कि ये इस टेक्निक का ये साइड इफेक्ट था ये इसका एडवांटेज था. ओके बेटा एंड द लास्ट स्टेप इज बेटा जब आपने ये एनालाइज कर लिया कि इस स्टेप इस टेक्निक का ये रिजल्ट आपको मिला तो फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. ओके क्लियर. Yes, ma'am. So, beta, everything is clear regarding PDSA model? Yes, ma'am. ठीक है अब बेटा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट. आपके पास एक पेशेंट आया डायबिटीज के साथ. ठीक है बेटा आपने उसको कैसे प्लान करना है. आपने सबसे पहले प्लान करना है आपने एक पेशेंट से पूछा कि उसको उसको आप जो ट्रीटमेंट दे रहे थे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए आपने उससे पूछा कि आइदर इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है आपको. ठीक है अगर पेशेंट ने आपको परमिशन दी तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया आपने प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं इसको इसकी जगह क्या दूं या इस मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन ऐड कर दूं कि पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करने में आसानी हो. ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम पेशेंट जब आया आपके पास वही पेशेंट तो आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया. ठीक है और फिर आपने जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम आया उससे फीडबैक लिया और उसके रिजल्ट्स को स्टडी किया जब आपको लगा कि इस चेंज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके पास आया है तो फिर आपने अपने बाकी पेशेंट्स पे भी वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. क्लियर बेटा. यस मैम. इज एवरीथिंग क्लियर. यस मैम. प्रैक्टिकली आप पीडीएसए मॉडल को कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में. यू गॉट इट. यस मैम. ओके बेटा ये यहाँ तक अभी हमने वो बात की कि अगर आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हैं तो बेटा उसके लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करने हैं. ठीक है आपने वो स्टेप्स फॉलो कर लिए. ठीक है आपने वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी
अपने सेटअप में. अब बेटा इन सारी चीजों को एनालाइज करके हम एक रिजल्ट्स की शक्ल भी देते हैं. ठीक है, जैसे आपका क्विज होता है या आपकी असाइनमेंट होती है, आपके एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बाद आपको एक रिजल्ट कार्ड मिलता है. ठीक है, आपको एक रिजल्ट पकड़ाया जाता है कि आप इस लेवल पे आप स्टैंड करते हैं. ठीक है, इसी तरह बेटा जब आप हेल्थ केयर सिस्टम में कोई प्रोसीजर्स यूज करते हैं, कोई चेंजेस लेके आती हैं, या कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, एज अ रिजल्ट उसके जो आउटकम्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो भी तो आपको किसी फॉर्म में शो करनी है ना कि इन प्रोसीजर्स की वजह से ये रिजल्ट्स हमें आए, इतने पेशेंट्स हमारे इस प्रोसीजर से जो है वो उन्होंने फायदा उठाया, उनको उनके लिए बेनिफिशियल था ये प्रोसीजर, इतनी परसेंटेज हमारे पेशेंट्स की ऐसी थी जिनके लिए ये प्रोसीजर हार्मफुल था. ठीक है, इतना बेनिफिशियल नहीं था. तो बेटा इन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, इन रिजल्ट्स को एक कैलकुलेटेड फॉर्म देने के लिए कि कितने पेशेंट्स कितनी परसेंटेज अफेक्ट हुई, कितनी परसेंटेज किस लेवल पे पहुंची, ठीक है, इसके लिए कुछ हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं या कुछ हम फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं. तो बेटा जो हम चीजें यूज करते हैं टू डिस्प्ले आर रिजल्ट या जो हमने एनालाइज किया उसको शो करने के लिए, हम किन चीजों को यूज करते हैं, हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं बेटा. ठीक है, हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, इसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं बेटा, इशिकावा एंड फिशबोन, ये मैं आपको डिटेल बताती हूँ इनकी नेक्स्ट स्लाइड्स में. पेरिटो चार्ट्स हम बना सकते हैं और रन चार्ट्स बना सकते हैं. तो बेटा ये स्केल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप रिजल्ट्स को अपने डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये प्रोसीजर मैंने यूज किया था और ये मेरे रिजल्ट्स हैं. ठीक है, तो बेटा रिजल्ट्स को एक प्रॉपर शक्ल देने के लिए आप इन चार्ट्स को यूज करते हैं. अब इन चार्ट्स की हम डिटेल एक एक करके डिस्कस करेंगे. बेटा फ्लो चार्ट के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, एक डायग्राम है जो शो कर रही है कि क्या क्या स्टेप्स आपने अपने प्रोसेस में फॉलो किए और उसके क्या क्या रिजल्ट्स मिले आपको. ठीक है, सो एवरी स्टेप इज इंडिकेटेड बाय अ शेप हियर इन फ्लो चार्ट. आपको एरोस की शेप, एरोस की फॉर्म में एक पूरा फ्लो चार्ट मिल जाता है कि ये पेशेंट आया, ठीक है, ओपीडी में आपके पास आया, इसको आपने वहां भेज दिया, वहां इसकी ट्रीटमेंट हुई, ये इसका रिजल्ट आया. ठीक है, तो आपने ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना लिया. ठीक है, इसमें आप लाइंस और एरोस को यूज करते हैं टू शो द मूवमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस. अब बेटा इस एग्जांपल पे आ जाए, ये है एक फ्लो चार्ट. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लो चार्ट जो शो कर रहे हैं कि आपके पास पेशेंट आया डिपार्टमेंट में तो किस तरह के, अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आया तो उसको आपने आगे कहाँ भेजा. ठीक है, अगर पेशेंट ओपीडी में आपके पास आया जिसके साइन और सिम्टम्स थे उसको फर्दर आपने कहाँ भेजा, और अगर एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बेटा आपके जो है वो कहीं से रेफर किया जाता है आपको, आपकी तरफ, ठीक है, तो उसके साथ आपने क्या करना है. ठीक है, फिर उनको जो ट्रीटमेंट्स आपने दी उनको फर्दर उनके रिजल्ट्स क्या आए, ठीक है, और फर्दर उनका रिएक्शन क्या मिला आपको. तो बेटा ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप एरोस के थ्रू शो कर रहे हैं सब कुछ, जो आपने स्टेप्स फॉलो किए वो भी और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी. ठीक है, तो बेटा एक ये तरीके कि आप फ्लो चार्ट बना लें और उस पर अपना शो कर दें रिजल्ट्स को. इज इट क्लियर बेटा, फ्लो चार्ट की समझ आएगी आपको. यस मैम. दूसरा तरीका बेटा ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. आपको टर्म से समझ आ रही है, कॉज मींस कि आपने ये देखा कि कॉज क्या था, पीछे रिस्क फैक्टर कौन सा था, और इफेक्ट कि उस कॉज ने कैसे अफेक्ट किया पेशेंट को. ठीक है, अब इसके लिए बेटा इस तरह के डायग्राम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं इशिकावा डायग्राम या फिशबोन डायग्राम. बेटा इशिकावा हमने वर्ड यूज किया है, ये हम क्यों यूज किया गया है कि जिस साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये डिस्कवर किया था ये डायग्राम, ये कॉन्सेप्ट कि विजुअली दिखाने के लिए ग्राफिकली अपने रिजल्ट्स को, उसने जो एक डायग्राम यूज की उसको उसने अपने नाम पे नाम दे दिया इशिकावा. ठीक है, तो बेटा ये बेसिकली कोरिया का साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे इसको वी टर्म्ड इट इशिकावा डायग्राम. ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ विजुअल टूल. ठीक है, विजुअली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के साथ पेशेंट आया, उसके पीछे कॉजेस क्या थे, ठीक है, और इफेक्ट्स क्या, आपने जो चेंजेस लाए उसके इफेक्ट्स क्या आए पेशेंट पे, उनको ग्राफिकली डिस्प्ले किया जाता है डिटेल में. तो बेटा इसको हम कहते हैं इशिकावा डायग्राम. ठीक है, और इसी को नाम दिया जाता है, इसी डायग्राम को फिशबोन. अब बेटा ये देखें फिशबोन डायग्राम, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस यू कैन सी हियर इट्स जस्ट लाइक अ
फिश, ठीक है, तो इसकी अपीयरेंस फिश की तरह है, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम कह देते हैं. बेटा इसमें देखें, यू कैन सी हियर कि हम पुअर क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ एरो जा रहे हैं और बीच में हम वो चीजों को स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कॉजेज बन रही हैं जो इस इवेंट की तरफ लीड कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्स इवेंट की तरफ जा रहे हैं. तो वो इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, आइदर वो इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम्स ऐसी या चेंजेस भी हो सकते हैं जो पुअर क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ लीड कर रही हैं और फाइनली एडवर्स इवेंट की तरफ जा रहे हैं. तो बेटा इन कॉजेस को हमने इस तरह डिस्प्ले किया और इसको हमने नाम दिया फिश बोन डायग्राम का. क्लियर बेटा? यस मैम. जी मैम. सो बेटा एवरीथिंग क्लियर रिगार्डिंग इशिकावा डायग्राम एंड फिश बोन डायग्राम? Yes, ma'am. So, हम अभी तक अभी हम डिस्कस कि हम किन थ्री आउटकम मेजर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को. फर्स्ट वन वॉज बेटा फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को. सेकेंड वन वॉज इशिकावा डायग्राम एंड फिश बोन डायग्राम. ओके, नाउ बेटा द थर्ड वन इज रन चार्ट्स. आप रन चार्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेइंग योर रिजल्ट. बेटा रन चार्ट को हम रन सीक्वेंस प्लॉट भी कहते हैं. ये ऐसा ग्राफ है जिसमें आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इस टाइम में इतने टाइम में आपने ये चेंजेस आपने फॉलो की और इतने टाइम में आपको ये रिजल्ट्स मिले. तो बेटा जब आप अपने रिजल्ट्स को एक सीक्वेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी अब बेटा आप इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें एक तरफ आपका टाइम वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका रिजल्ट्स वाला पैटर्न्स वाला पॉइंट फैक्टर होगा, ठीक है, और जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहेंगे रन चार्ट्स, ठीक है बेटा. सो इट इज बेसिकली अ रन सीक्वेंस प्लॉट जिसमें आप डिस्प्ले करते हैं डेटा को इन अ टाइम सीक्वेंस, कि इस टाइम में इस ड्यूरेशन में आपकी के चेंजेस के क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है. सो ऑफन द डेटा डिस्प्लेड रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द आउटकम or performance of manufacturing or other business processes, it is therefore a form of line chart. So, beta, ye ek line chart ki tarah ki representation aati hai aapke. Theek hai, run chart mein. I will show you the picture here. Dekhi, you can see here. Niche aap dekhi, x-axis pe time ko show kiya ja raha hai. Theek hai? Aur with respect to that time, aapke kya changes aa rahi hai, unko aap y-axis pe le rahi hai. Theek hai? Aur in dots ko aap phir lines ke through ज्वाइन कर देते हैं. तो बेटा इस रन चार्ट को बिकॉज ऑफ यू आर ट्रीटिंग यू आर शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड, टाइम सीक्वेंस के लिहाज से आप शो कर रहे हैं, तो इसको आप रन चार्ट कह देते हैं. इज इट क्लियर? यस मैम. एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? यस मैम. ओके, सो बेटा व्हाट आर द आउटकम मेजर्स, कौन से ऐसे आउटकम मेजर्स हैं जो आप फॉलो करते हैं टू रिप्रेजेंट योर रिजल्ट्स, टू रिप्रेजेंट योर एनालिसिस, जो आपने एनालाइज किया उसको किस फॉर्म में आप डिस्प्ले कर सकते हैं? जस्ट टेल मी द नेम्स. अभी तक आपको क्या समझ आई है बेटा? मैम आपने क्या पूछा, दोबारा पूछिएगा. क्या आप अपनी एनालिसिस को, जो आपने एनालाइज किया, जो चेंजेस आप अपने सिस्टम में लेके आए, उन रिजल्ट्स को आप किस तरह डिस्प्ले करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? मैम फ्लो चार्ट से या फिर कॉज एंड इफेक्ट, फ्लो चार्ट या रन चार्ट के जरिए. रन चार्ट वन बाय वन बेटा. ओके, फ्लो चार्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, और क्या तरीका है? रन चार्ट. मैम इशिकावा एंड फिश बोन. इशिकावा बॉयज बेटा, बॉयज, एनीवन फ्रॉम बॉयज? मैम रन चार्ट्स के जरिए या रिट्रो चार्ट्स के जरिए. यस, वेरी गुड. ओके बेटा, एक लास्ट आपका जो है चार्ट, उसका नाम है पेरिटो चार्ट, ठीक है. सो बेटा पेरिटो चार्ट में आप बेसिकली, ये क्वालिटी टूल है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्रीक्वेंसी आप देखते हैं कि आपने जो चेंजेस लाए, ठीक है, उन चेंजेस को आपने इम्प्लीमेंट किया अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, अब जो आपको रिजल्ट मिल रही है उसमें क्या फ्रिक्वेंसी एडवर्स इवेंट्स की पहले से कम हुई कि नहीं हुई, जो डिफेक्ट्स या जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी या जो पेशेंट की कंप्लेंट आ रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई पहले से या नहीं हुई, ठीक है बेटा. तो हम फ्रीक्वेंसी को जो डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको एनालाइज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम पेरिटो चार्ट के थ्रू करते हैं. जैसे रन चार्ट में बेटा हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे थे ना, ठीक है, पेरिटो चार्ट में हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो पेरिटो चार्ट में हम विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी
अपने रिजल्ट्स को एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब पेरेटो चार्ट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट, जैसे बेटा रन चार्ट एक लाइन चार्ट था क्योंकि उसमें जब आप डॉट्स को मिलाते थे तो लाइन बनती थी, ठीक है। पेरेटो चार्ट में बेटा फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आती है चार्ट की वो बार चार्ट की तरह की होती है, ठीक है, कि इतनी फ्रीक्वेंसी आई जब आपने ये चेंज लेके आए अपने ट्रीटमेंट में, ठीक है। सो पेरेटो चार्ट इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट, ठीक है। तो इसको हम बेटा इस ऑर्डर में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें पता चले कि हमने जो चेंज लाए अपने हेल्थ केयर सिस्टम में उसके अफेक्ट किस लेवल तक हमें मिले, ठीक है। तो बेटा इस तरह के चेंजेस को, इस तरह के एनालिसिस को हम रिप्रेजेंट ग्राफिकली पेरेटो चार्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए दिस इज पेरेटो चार्ट बेटा। अब ये बार्स बन रही है, ठीक है, इसमें क्या बन रही है, बार्स बन रही है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो कॉजेस थे, ठीक है, और जो फैक्टर्स थे, किस फैक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जब आप चेंज लेके आए तो आप पेशेंट की जनरल कंडीशन किस लेवल पे आई, लॉस ऑफ बैलेंस उसका पहले से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, डिजीनेस, गेट और बैलेंस, हर फैक्टर को का उसने फ्रीक्वेंसी देखी, मैग्नीट्यूड देखा कि आइदर जो चेंजेस आपने आप लेके आए उससे उन फैक्टर्स पे कितना चेंज आया। क्लियर बेटा? तो इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है कि बार्स बन रही है, ठीक है। सो इसलिए पेरेटो चार्ट को हम बार चार्ट कहते हैं, ठीक है, और रन चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्लियर बेटा एवरीथिंग? यस मैम। बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग द लेक्चर? नो मैम। बेटा चेंज इज मैंडेटरी फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स, ठीक है। ये आप हर लेवल पे अपनी लाइफ में भी देखेंगे, ठीक है, कि आपको जहां लगता है कि आपका कभी आपको लगे कि आप जो हार्डवर्क कर रही हैं उसके रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिल रही जो आपकी हार्डवर्क है, तो बेटा हमेशा अपने रीरूट किया करें, ठीक है, दोबारा से पीछे मुड़ के देखा करें कि आइदर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कहाँ पे आपको चेंज की जरूरत है, ठीक है। आप किस तरह मेहनत कर रहे हैं, किस तरह इसको आपको किस तरह से करना चाहिए था कि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते, ठीक है। तो बेटा चेंज इज मैंडेटरी, आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आती हैं तो ही आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स दे पाती हैं, ठीक है। एक ही सीक्वेंस को या किसी को देख के उसी चीज को फॉलो करना, उसके रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिलते जो आप खुद से स्टडी करें, खुद से ऑब्जर्व करें, अपने अंदर चेंजेस लेके आए और फिर जो रिजल्ट्स आते हैं वो फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, ठीक है बेटा। सो चेंज इज इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, ऑल्दो आपको लगता है कि चेंज इज डिफिकल्ट, बट बेटा उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। ओके नाउ बेटा लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम। एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग? So, beta, how is your preparation for the mids? Although आपका patient safety का mids नहीं है, लेकिन बाकी subjects की preparation कैसी आपकी? कर रही है मैम अभी। Okay. So, students assignment के सबके number upload कर दिए हैं? नहीं बेटा, आपकी assignments के अभी number मैं mids के बाहर display करूँगी, ठीक है? अभी बस अभी किसी भी student के display नहीं हुए, ठीक है। आई थिंक जिन्होंने फर्स्ट डे जिस दिन मैंने अनाउंस किया था, आई थिंक एक दो बच्चे थे, उन्होंने उसी दिन मुझे फॉरवर्ड कर दी थी तो उनके मैंने कर दिए थे, लेकिन बाकी बेटा क्योंकि आपकी पेशेंट सेफ की असेसमेंट जो है वो एट द एंड ही होगी तो उसके मैं आपके मिड्स के बाहर डिस्प्ले करूंगी, ठीक है मैम। मिड्स में हमारी क्लासेस होंगी? जी बेटा, सॉरी, मिड्स में हमारी क्लासेस होंगी? यस बेटा, जब आपकी अगर ड्यूरिंग माय क्लास या जो मेरी क्लास का पीरियड है बेटा उसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा तो फिर आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो मिड्स में आप क्लासेस भी होंगी, ठीक है मैम। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आपने सीपी के लिए सुनने हैं, तो अगर हमारे तो मिड्स इस तरह नेक्स्ट वीक होंगे तो वो डिले नहीं हो सकती ये चीज या ना हो? सॉरी बच्चे, व्हाट आर यू आस्किंग? मैम आपने अभी कहा ना कि आपने नेक्स्ट लेक्चर में हमसे सुनना है और फिर मार्क्स लगानी है।
बेटा वो तो जनरल आपने जो इस लेक्चर में पढ़ा है उससे रिलेटेड ही एक दो बातें होंगी, वो कोई ऐसी ऐसा सुनना नहीं है कि जिसके आपको जिसके आपको स्पेशल प्रिपेयर करना पड़े। मेन कंसर्न ये था मेरी बात का कि सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें एक्टिविटी, ठीक है। ये जो एक दो बच्चे बस करते हैं, मार करता है, मानू करती हैं, ठीक है, ये सिर्फ नहीं करें, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। सो द कंसर्न हियर इज कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में, ठीक है। ओके मैम, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, नाउ गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस, ठीक है। Be attentive. I will call the name only once. Abdul Hanan. Present, ma'am. Abdul Manan. Present, ma'am. Abu Fatma. Present. Ahmed Nadeem. Ayman Lateef. Present. Aliha Javed. Aliha Naveed. Present, ma'am. Amina Wahid. Present, ma'am. Amna Bashir. Present, ma'am. Amna Azhar. Amna Azhar. Amna Shakeel. Beta, mute yourself. Amna Shakeel. Amna. Present, ma'am. Amna Rafiq. Amna Yasin. Anam Fatma. Present, ma'am. Okay. Amna Yasin, present. Okay. Anam Fatma. Present, ma'am. Anusha Shahid. Present, ma'am. Aksa Arshad. Present, ma'am. Aksa Liaqat. Present, ma'am. Aksa Nazir. Present, ma'am. Aksa Tabassum. अक्सा तबसुम, अक्सा वजीर, अरीबा जावेद, अरीज अरशद, प्रेजेंट मैम, अरीशा मुशर्रफ, यस मैम, अरूबा अकरम, अरूज अजीज, अरूज अजीज, वेलकम प्रेजेंट, ओके, आयशा बिनते हबीब, प्रेजेंट, आयशा हसन, प्रेजेंट मैम, आयशा कैसर, आयशा शहबाज, प्रेजेंट मैम, अस्का नदीम, अस्का नदीम, present ma'am, Faiza Zainab, present ma'am, present, Farhad Hassan, Farooq Ahmed, Farooq Javed, Farwa Rizwan, present ma'am, Fatima Arshad, Ghazia Wasim. Present, ma'am. Hadia Abid. Present, ma'am. Hafiz Hasnain. Present, ma'am. Hafiz Junaid. Hafiza Aniza. Present, ma'am. Hafsa Khalid. Present, ma'am. Halima Sadia. हलीमा सादिया, ओके, हमायल तनवीर, हमाद हैदर, यस मैम, हमना इफ्तिखार, हानी आरिफ, प्रेजेंट मैम, हनान शौकत, हिफ्जा मुनीर, प्रेजेंट मैम, हिना इनाम, प्रेजेंट, हीरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम, हुदैबिया सरवर, हमना मलिक,
इकरा जमील, इकरा जमील, इकरा कासिम, प्रेजेंट मैम, इकरा रहमान, मैम मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था फरहाद से जी, इकरा रहमान, इकरा तबसुम, प्रेजेंट, इरज, इरज फातिमा, इरम साबिर, प्रेजेंट मैम, फिंजा जमील, किरण शहजादी, प्रेजेंट मैम, लाइबा वाज, लाइबा अब्रार, लारे वासिम, माहम, प्रेजेंट मैम, माहिरा नासिर, प्रेजेंट मैम, मानूर रहमान, प्रेजेंट, मानूर उमर, महजीब कामरान, वलीहा जावेद, मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया, किंजा जमील, आपने मेरा नाम नहीं लिया, ओके ओके, किंजा जमील, महजीब कामरान, महजीब कामरान, वलीहा जावेद, मनाहिल गुल, मरियम अब्बास, प्रेजेंट मैम, मरियम नदीम, मरियम राशिद, प्रेजेंट मैम, मरियम सलमान, मोमिना तारिक, प्रेजेंट मैम, ओके, मोजे जफर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अमीन असलम, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद आमिर असलम, मोहम्मद अमाद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद अधान, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद फैसल सईद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद हसीब, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद साबिर, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद उमेर आसिफ, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद उजैर, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम 40, मोहम्मद वसीम 7, मोहम्मद, प्रेजेंट मैम, मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट मैम, 7, ओके, 40 वाले मोहम्मद जुहेब, कीप क्वाइट बेटा, म्यूट योरसेल्फ, मोहम्मद जुहेब अख्तर, मुकशफ फातिमा, मुनीबा बशीर, प्रेजेंट मैम, नतालिया, प्रेजेंट मैम, मैम मोहम्मद जुहेब अख्तर प्रेजेंट, ओके, नेहा खावर, प्रेजेंट, निमला अमीन, निमरा, निमरा अहमद, निमरा रजाक, नूर फातिमा, प्रेजेंट मैम, नूर नवाज, नवेरा तजम्मल, राजिया नईम, प्रेजेंट, राबिया जमील, रमशा फातिमा, प्रेजेंट, राबिया जमील प्रेजेंट, रमशा फातिमा, राना मोहम्मद मोईज, प्रेजेंट मैम, बेटा राना मोहम्मद मोईज हैं आप, मैम आपने मेरा नाम दोबारा लिया था,
बेटा अपना नाम बोले। रमशा फातिमा। ओके। राना मोहम्मद मुईज। रिदा जहरा। प्रेजेंट मैम। रिजा खालिद। प्रेजेंट। रिजा खालिद। रिमशा। प्रेजेंट मैम। मैम रोल नंबर 57 प्रेजेंट। मैम 45। ओके। रिमशा इजाज। प्रेजेंट मैम। रिमशा जावेद। प्रेजेंट मैम। रिमशा सनाउला। प्रेजेंट मैम। सादिया सैफ। सैफुल्ला। समन इजाज। समन जावेद। प्रेजेंट मैम। समीना बाबर। प्रेजेंट मैम। समरा जहांगीर। मैम समर इजाज प्रेजेंट। ओके। समरा जहांगीर। सना मुनीर। सनीला गफार। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नो मैम। ओके। सरोश सीमा। सरोश प्रेजेंट मैम। सीमा मेरा पेशेंट 1 और 2 का क्लैश है जी। सॉरी मेरा भी सेम इशू है, मतलब पेशेंट 51 और 2 का क्लैश है, आपस में सेम स्लॉट पे होते हैं सेम डे। ओके बेटा। मैम समन इजाज प्रेजेंट। शुएब अली। यस मैम। सिद्रा बास। बेटा एंड पे बताइएगा जिनके रह गए। सिद्रा बास। प्रेजेंट मैम। सिद्रा बास। सिद्रा मुख्तार। सिकंदर सुभानी। प्रेजेंट मैम। सुनीक अहमद। सैयदा ऐमन खालिद। सैयदा शाइस्ता। प्रेजेंट मैम। तहमीना। प्रेजेंट मैम। तूबा। प्रेजेंट। हुमायना। प्रेजेंट। उमेर खान। प्रेजेंट मैम। अरफा शफी। उसामा अहमद। प्रेजेंट मैम। कामा रफीक। प्रेजेंट मैम। देर। प्रेजेंट मैम। वर्दा कासिम। प्रेजेंट। जाहिद। वर्दा कासिम। मैम। जाहिद हुसैन। जिशान अली। जुहेब तारिक। प्रेजेंट मैम। दिनेश। जोनिश खान। सूबिया कलसूम। जुबैर अहमद। प्रेजेंट मैम। ओके एनीवन लेफ्ट? मैम सैफुल्ला। मैम समन इजाज। जी समन इजाज आपका हो गया। मैम सैफुल्ला। जी आपका भी हो गया सैफुल्ला। मैम राना मोहम्मद मुईज। सॉरी वन बाय वन। अक्षत वसीम। मैम राना मोहम्मद मुईज। जी मुईज प्रेजेंट। बेटा ऊंची बोले ना, प्रॉपर्ली नाम बोले अपना। मैम राना मोहम्मद मुईज प्रेजेंट। मैम मैम फरहाद हसन। मेरा मैम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन है बेटा, आपका नाम क्या है? फरहाद हसन। राना नहीं फरहाद हसन। मोहम्मद मुईज। बेटा वन बाय वन बोलेंगे तो मुझे आवाज आएगी ना, सारे एकदम बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगी। जी अब बताएं आप। मैम राना मोहम्मद मुईज। जी मुईज आपका हो गया। फरहाद हसन। ओके। मैं सक्सा तो बस हूं। हो गए हैं सब आपका हो गया। जी मोहम्मद वसीम मैम। मैम फरहाद हसन हो गया। जी मैम अफसा खालिद का चेक कर लें।
ओके बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेक्चर? कुछ पूछना है तो बताएं. मेरी अटेंडेंस हो गई है फरहाद हसन जी? बेटा हो गई आपकी. ओके मैम, थैंक यू. ओके बेटा, एनी स्टूडेंट वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द लेक्चर? लेक्चर से के रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो बताएं. ओके बेटा, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर और गुड लक फॉर योर मिड्स. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.